नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस समय जो है सीतापुर के मुख्य बाजार लालबाग में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जिस स्थान पर लोगों की भीड़ लगा खचाखच भरी रहती हुई है, वहाँ पर आज इस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तैनात हैं और आपको उसके ऊपर तैनात दिख रहे होंगे दमकल के कर्मी। और यह स्थान है सैगल साड़ी। बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर भीषण गर्मी के चलते एसी में विस्फोट हुआ, जिसमें यहाँ पर जो स्थानीय काफ़ी चर्चित और फेमस ये दुकान है सहगल साड़ी की, यहाँ पर जो है तीसरे फ्लोर पर जो है आग लग गई और जो है वहाँ ऊपर जो कपड़ों के सामान रखे हुए हैं काफ़ी सारा सामान है, जो स्थानीय मालिक हैं उनके द्वारा बताया गया काफ़ी सारा स्टोरेज वहाँ पर था और वहाँ पर आग लग गई। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे, इससे जो है दमकल के जो कर्मी हैं वो जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो अंदर जाके देखा गया है उसमें जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है वहां पर धुआं उठता आपको दिखाई पड़ रहा होगा और जो है दमकल के कर्मी जो है वह जो है पूरी प्रयास में है कि कैसे आग पर काबू पा लिया जाए। आपको बता दें, यह जो सहगल जो है वस्त्र भंडार है या जो है शहर का काफ़ी प्रतिष्ठित वस्त्र भंडार और काफ़ी पुराना वस्त्र भंडार है और जो है भीतर जो तापमान उस तापमान के चलते जो है आज यहाँ पर एसी में विस्फोट होना बताया जा रहा है। अभी तक आपको बता दें जो है दुकान के जो मालिक हैं उनसे तो बात नहीं हो पाई है, वहाँ पे कर्मचारी थे उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है लगभग जो है 40-42 लाख रुपये का नुकसान वो बता रहे थे। अभी तक आपको बता दें यहाँ पर 3 फ्लोर हैं और यहाँ पर जो है दूल्हे के जो है कपड़े से लेकर के दुल्हन के कपड़े से लेकर के तमाम जो है तरीके के कपड़े यहाँ पर बिकते हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित ये दुकान है और आप देख सकते होंगे कि आज जो ये हादसा हुआ है और भीषण गर्मी के तहत यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि एसी में विस्फोट हुआ और फिर जो है आग पकड़ ली और उसके बाद वो बढ़ती ही चली गई। बिल्कुल ऊपर का माला है, आप देख सकते होंगे कि तापमान जो सीतापुर में 40 से 42 डिग्री लगातार जो है आप देख सकते होंगे कि जो है तमाम जो है दमकल के कर्मी अभी तैनात हैं। ऊपर का शीशा भी तोड़ा गया है। बताया जा रहा था कि जो है दमकल के कर्मी जब ऊपर आग बुझाने जा रहे थे तो इतना धुआं भरा था कि जो दमकल के कर्मी जिनसे हमें बात हुई वो कह रहे थे कि ऊपर जा पाना ही जो है नामुमकिन सा था। इस कारण से ऊपर का जो है शीशा तोड़ा गया ताकि कुछ धुआँ वहाँ से रिलीज हो जाए और जो है जा कर के जो है जो हालात हैं उन पर काबू पाया जा सके। आपको बता दें जो है सीतापुर के मुख्य बाज़ार में यहाँ पर लोगों की भीड़ सामान्यता आपको लगातार खचाखच देखते होंगे और जो है आपको बता दें आज यहाँ पर जो भीषण गर्मी के चलते जो ये जो है ये अग्निकांड बताया जा रहा है, ये हादसा बताया जा रहा है। हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे क्या कारण है और जो है क्या इसके मायने जो है हालात हैं, ऐसा क्यों हुआ है। आपको बता दें, आप देख सकते होंगे कि ये जो है अब ऊपर का जो जला हुआ सामान है ये जो है यहाँ के दुकान के जो कर्मचारी हैं वो लेके बाहर आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते होंगे कि कंबल रखा हुआ है जो है आग पकड़ लिया। ऊपर आपको बता दें जो यहाँ के दुकान के कर्मचारी थे उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऊपर सर्दी के कपड़ों का स्टोरेज था। आप देख सकते होंगे कि कुछ कंबल। हम अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, नुकसान का आकलन तो अभी नहीं हो पाया है। आग जो है प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। सूचना जो है हमारे मोबाइल में CFO सुभाष सिंह सीतापुर, हमारे मोबाइल पे महावर जी का फ़ोन गया था कि सागर जी के दुकान में आग लगी है। तत्काल जो है ऑफिस में होने कारण तत्काल एक फायर टेंडर लेके हम स्वयं आए। यहाँ आकर देखा गया कि दुकान जो है 3 मंजिला बनी है। सबसे ऊपर की मंजिल पे स्टोर भी है और दुकान भी है, जिसमें स्टोर का जो केबिन बना था उसके भीतर आग थी, जिसको गाड़ी से पंपिंग करके कर्मचारियों के अथक परिश्रम मेहनत के साथ जो है आग को जो है पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। और अगर आग बुझाई न जाती तत्काल तो अगल बगल भी दुकानें थी, इनकी स्वयं की दुकान 2 मंजिले पे और थी जो कि कपड़े से भरी हुई है, आग भीषण हो सकती थी, लेकिन जहां आग लगी थी वहीं पे आग को दबा के पूर्ण रूप से उसका शमन कर दिया। घटना के क्या कारण निकल गया है? घटना का कारण जो प्रदर्शी यहाँ दुकान में उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि तार से जो है चिंगारी निकली, इनके द्वारा शोर मचाया गया और
दूसरे के माध्यम से हमारे पास सूचना पहुंची, जिस पे हम टर्नआउट लेकर जो है स्वयं आए। तो ये चीफ फायर ऑफिसर सुभाष सिंह जी और जिनसे हमने जाए, इनका कहना है कि यहाँ पर सार्फ रखे, जबकि यहाँ पर अभी जो स्थानीय दुकान के मालिक थे उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एसी जो है में जो है विस्फोट हुआ, जिस कारण से ऐसा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, आप देख सकते होंगे कि दुकान के जो कर्मचारी हैं वो लगातार चीज़ों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हालातों को जो है सही करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जो क्या कुछ होता है वह अभी हम जो है आपको बताएंगे। कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे है और मैं अरविंद वस्ती, सीतापुर।